मणिपुर में जम्मू कश्मीर जैसे हालात बनते जा रहे हैं। अब तक जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना पर हमलों की खबर सामने आती थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि मणिपुर के जिरीबाम में अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने सीआरपीएफ और स्टेट पुलिस की संयुक्त टीम पर जोरदार हमला बोल दिया। ये अटैक घात लगाकर किया गया है, यानी छुपकर वार किया गया है। जानकारी के मुताबिक इस हमले में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया है, वहीं कई घायल बताए जा रहे हैं। बता दें, बदमाशों ने हमला सुबह 9:40 पर किया। जानकारी के मुताबिक 20 बटालियन सीआरपीएफ और जिरीबाम जिला पुलिस की संयुक्त टीम एक साथ ऑपरेशन में लगी हुई थी। मणिपुर में भड़की हिंसा को नियंत्रण में करने के लिए सीआरपीएफ और मणिपुर पुलिस बड़े पैमाने पर ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी, और इसी के तहत एक और ऑपरेशन मणिपुर में हो रहा था। और तभी 20 बटालियन सीआरपीएफ और जिरीबाम जिला पुलिस की संयुक्त टीम पर ये हमला हो गया। टीम पर घात लगाकर बैठे बदमाशों ने जोरदार हमला किया। हमले के वक्त करीब 3 जवान घायल भी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा एक सीआरपीएफ जवान के घायल होने की खबर भी सामने आई है। अहम बात यह है कि हमला ऐसे वक्त पर हुआ जब हाल ही में सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालते हुए जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पूर्वोत्तर का दौरा किया था। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी पूर्वोत्तर पर करीब से नजर बनाना चाहते थे, और इसी के लिए उन्होंने अरुणाचल प्रदेश सिक्किम में चीन सीमा के पास सुरक्षा स्थिति की समीक्षा भी की थी। बड़े पैमाने पर भारतीय सेना सीआरपीएफ और इसके साथ साथ मणिपुर पुलिस स्थिति को नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रही है। बता दें, 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, मणिपुर हिंसा की आग अब भी सुलग रही है। इसे बुझाने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। राजनीतिक हलकों में भी इसे लेकर बड़े पैमाने पर राजनीति हो रही है। मणिपुर को लेकर जिस बीच राजनीति गर्म है, उस बीच सीआरपीएफ के काफिले पर इतना बड़ा हमला वाकई चौंकाने वाला है। बता दें, पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त में भारतीय सुरक्षा बल बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाकर स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिशों में जुटी हुई है, और इन सब के बीच सीआरपीएफ के काफिले पर यह हमला अब एक बार फिर से सवालों को खड़ा कर रहा है, जिसके बाद सुरक्षा बल भी एक्शन मोड में आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।